राजधानी के पश्चिम विहार इलाके में मंकीपॉक्स का पहला मामला सामने आने के बाद मरीज के संपर्क में आए 13 लोगों को 21 दिनों के लिए पश्चिमी जिला प्रशासन ने आइसोलेट कर दिया है। अहम बात यह है कि इन 13 लोगों में मरीज के करीबी दोस्त के साथ मरीज का सबसे पहले इलाज करने वाले डॉक्टर, वहां के रिसेप्शनिस्ट और स्टाफ नर्स भी शामिल है। सभी लोगों को उनके घरों में आइसोलेट किया गया। अधिकारियों के अनुसार केंद्र सरकार की तरफ से मिली अब तक की गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। पंजाबी बाग सब डिवीजन के प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि मामले की जानकारी बीते शुक्रवार को हुई थी। इसके बाद ही संदिग्ध को LNJP में भर्ती कर दिया गया था। रविवार को जांच रिपोर्ट में मंकीपॉक्स की पुष्टि हो गई है। 21 दिन रखी जाएगी पैनी नजर। संक्रमित के संपर्क में आए 13 लोगों को उनके घरों में आइसोलेट कर दिया गया है। सभी फिलहाल स्वस्थ हैं, किसी में भी मंकीपॉक्स का लक्षण नहीं है। हालांकि जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम इन सभी सदस्यों के स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रख रही है। अधिकारियों के अनुसार भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार कोई कंटेनमेंट जोन नहीं बनाया गया, पर 21 दिनों तक सभी के स्वास्थ्य पर नजर रखी जाएगी। वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे मरीज और उसकी पत्नी। पीड़ित और उसकी पत्नी कोरोना महामारी के समय से ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। खरीदारी के लिए भी वह घर से काफी कम बाहर निकलते थे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर पीड़ित मंकीपॉक्स की चपेट में कैसे आया। करीबियों ने बताया मरीज की तबीयत 7 जुलाई से खराब होनी शुरू हुई। इसके बाद मरीज ने 2 डॉक्टरों और 1 स्किन थेरेपिस्ट से अपना इलाज कराया। इन तीनों डॉक्टरों, 2 रिसेप्शनिस्ट और 1 स्टाफ नर्स को भी आइसोलेट किया गया है। मंकीपॉक्स से जुड़ी हर जानकारी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।